आपने सुना ही होगा, लेकिन ये तो नहीं सुना होगा कि आपदा आपके लिए थी और अवसर किसी और के लिए था। किसी और के लिए भी नहीं, केवल चंद सौ लोगों के लिए था। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्याम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। जनता सुनती है, जनता देखती भी है, जनता टोकती है, जनता रोकती भी है, जनता सिसकती है, जनता रोती भी है। तुम्हें नहीं दिखता, कमी तुम्हारी है, और फिर उठती है जनता की आवाज। उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। साथियों, आज विश्व में आत्मनिर्भर शब्द के मायने पूरी तरह बदल गए हैं। ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केंद्रित वैश्वीकरण की चर्चा आज जोरों पर है। दोस्तों, कोरोना महामारी ने पिछले दो साल में ना जाने कितनों की जिंदगियों को तबाह कर दिया होगा और ना जाने कितनों के घरों को उजाड़ दिया, लेकिन कुछ अमीर लोगों के लिए ये महामारी एक वरदान साबित हुई। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये बात एक रिपोर्ट में सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 ने अमीरी गरीबी की खाई को और चौड़ा करने का काम किया है। एक तरफ जहां हर 33 घंटे में 10 लाख से ज्यादा लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी बहुत ज्यादा गरीबी का शिकार हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसी महामारी के दौर में हर 30 घंटे में एक अरबपति पैदा हुआ है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। दोस्तों, बड़े ही अफसोस की बात है कि मीडिया जगत में यानी जो न्यूज चैनल है उनके लिए खबर कोई खबर नहीं है। ये रिपोर्ट आपको किसी भी न्यूज चैनल के एंकर ने चिल्ला चिल्ला कर नहीं बताई होगी और ना ही इस पर कोई डिबेट हुई होगी और ना ही सरकार से कोई सवाल जवाब किए होंगे। दोस्तों, ये जानकारी ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में सामने आई है। ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट का नाम प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन है। दोस्तों, ऑक्सफैम एक संस्था है जो समानता के लिए काम करती है और संस्था ने ये रिपोर्ट तब जारी की जब दाबोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 की सालाना बैठक के लिए दुनिया के अमीर और ताकतवर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। दोस्तों, रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि जरूरी चीजों की कीमतों में आग लगी है। जिस वजह से अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। वहीं फूड और एनर्जी के सेक्टर में जो अरबपति हैं, वो अपनी संपत्ति में हर दो दिन में $1 बिलियन का इजाफा कर रहे हैं। ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान 573 नए अरबपति बने। जी हाँ, 573। उनके गणित के हिसाब से इस महामारी के दौरान हर 30 घंटे में एक नया व्यक्ति अरबपति बना। वहीं रिपोर्ट में आगे आशंका जताई गई है कि इस साल 26 करोड़ से ज्यादा लोग भयानक गरीबी का शिकार हो सकते हैं। वहीं एक आंकड़ा ये भी बता रहा है कि जो अरबपति हैं उनकी संपत्ति में 24 महीने में जो इजाफा हुआ है वो 23 साल के इजाफे के बराबर है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। ये आंकड़ा है साल 2000 में दुनिया की जीडीपी में अरबपतियों का हिस्सा जो पहले 4.4% था वो अब बढ़कर 13.9% हो गया है। अब आपका सवाल ये होगा कि इनकी अमीरी किस कीमत पर बढ़ी है, तो आपको बता दें कि कम पैसों और खराब कंडीशन में लोगों को ज़्यादा देर तक कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। जो बेहद अमीर लोग हैं उन्होंने सिस्टम को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ा और इसका फ़ायदा उन लोगों से उठाया।
दोस्तों, अमीरों के पास जो बेतहाशा दौलत आई है वो प्राइवेटाइजेशन और मोनोपोली की वजह से आई है। ऑक्सफैम ने यह भी बताया है कि इतनी अमीरी तक पहुंचने के लिए अमीरों ने वर्कर्स राइट को भी बेहद कमजोर बनवाने का काम किया, और तो और ये होने में सरकार का बराबर का हाथ है, यानी उनका भी हाथ इसमें मिला हुआ है। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, एनर्जी, फूड और फार्मास्यूटिकल, ये तीनों सेक्टर में जिन्होंने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया है। अकेले फूड सेक्टर में 62 नए अरबपति बने हैं। पैंडेमिक से पहले फूड सेक्टर में महज 8 अरबपति थे। श्रीलंका से सूडान तक भयानक गरीबी की वजह से हाहाकार मचा है। लो इनकम वाले 60% देशों की डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल में फंसने का भयानक खतरा बना हुआ है। श्रीलंका का क्या हाल है आपने देखा ही होगा, आज वो देश किस हालत से गुजर रहा है। वहीं दोस्तों, दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों के पास 40% जो सबसे गरीब लोग हैं उनसे ज्यादा संपत्ति है। इनको आसानी से समझे तो दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की अमीरी 3 खरब से ज्यादा लोगों पर भारी है। वहीं फार्मा सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर में 40 नए अरबपति बने हैं। दोस्तों, देश के बीच महामारी से पहले असमानता घट रही थी, लेकिन कोरोना ने इसे पलट दिया और इनके बीच फिर से असमानता बढ़ने लगी है। कोविड से जहां 20 करोड़ के करीब लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, वहीं अर्थव्यवस्था बर्बाद होकर रह गई है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़, क्योंकि जनता की आवाज़ खबर नहीं मुहिम है, बदलाव हमसे है।